आयोजन किया जाएगा और यहाँ पे पंडित वीरेंद्र शास्त्री जी आए हुए हैं, जिसे देखने के लिए यहाँ पे दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचे हैं। उनके दर्शन के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, यूं कहे तो लाखों लोग यहाँ पे आए हैं और जय श्री राम के नारे से पूरा क्षेत्र जो है गुंजमान हुआ है। अभी हमारे बीच छपरा जिला से आए हुए यहाँ पे एक लोग, क्या सोच के आप यहाँ पे आए हैं और क्या चाहते हैं? बाबा जी के दर्शन करने के लिए आए हैं, क्योंकि इस दर्शन में हम इतना दूर से यहाँ के, क्या उम्मीद रखते हैं, क्या चाहते हैं, क्या इच्छा है आपकी? जैसे उनकी इच्छा हम आए हैं, उनकी जो इच्छा हमारी इच्छा हम बनाए हमारे जानते हैं बाबा हैं। विश्वास है आज के डेट में दर पीछे हो भाई, तो दूर से सिर्फ दर्शन के लिए आप दर्शन के लिए नहीं, विक्रम से विक्रम बाबा का दर्शन हो गया। बाबा का दर्शन हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम के जो नारा यहाँ पे गूंज रहा है आप सुन रहे हैं। ये कौन सा चैनल है? यूट्यूब पर आएगा ना, सभी लोग उत्साहित हैं और अपना हिंदुस्तान फेसबुक पे भी है, तो काफी अच्छा लग रहा है। हिंदुस्तान फेसबुक पे अपना हिंदुस्तान, यूट्यूब पर का अपना हिंदुस्तान समझिए कि जिंदगी बंडल हो गया। बाबा जी के दर्शन के लिए देखिए कितना कितना आप देख रहे हैं, जरा कितना दूर दूर से बहुत रहने का खाने का पीने का सारा चीज का व्यवस्था है और सारा भक्त लोग जय श्री राम के नाम से लेकर पूरे यहाँ गूंज उठा है। एक बार बोलिए जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आप ये माहौल देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये आप देख सकते हैं दृश्य, जो पूरा ग्राउंड है पूरा यहाँ पे, जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वहाँ पे सिर्फ लोगों की भीड़। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस जगह पे आप देख सकते हैं बाबा का यहाँ पे आगमन हो चुका है और अंदर में जो है भजन और हनुमत कथा शुरू हो गया है। अभी टाइम भी हो चुका है और अंदर में काफी भीड़ है, काफी अधिक भक्त यहाँ पे आए हुए हैं उनका दर्शन को लिए, उनके दर्शन को उनको देखने के लिए। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से इस ओर जहाँ आपकी नजरें जा रही है वहाँ तक यहाँ पे भीड़ भीड़ लोगों की भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ ही यहाँ पे देखिए हम लोग बहुत दूर दूर से बाबा से मिलने आए हैं, पूरा पश्चिमी चंपारण से लेके पूरा बिहार आया है बाबा से मिलने और बाबा का आशीर्वाद लेके हमको जाना है। जय जय श्री राम, जय जय राम। अभी तो अभी ये भीड़ का हिस्सा है, अभी थोड़ा बहुत भीड़ हुआ है, अभी सारे लोग टूट पड़ेंगे थोड़ी देर और थोड़ा जैसे शाम ढलेगा और लोग बाबा के दर्शन के लिए आएंगे और बाबा से सबके आशीर्वाद लेके जाएंगे। क्या लगता है और भीड़ यहाँ पे बढ़ेगा? बहुत ज्यादा भीड़ आने वाला है। हमें तो लगता है कि बाबा का सबसे ज्यादा प्यार बिहार से ही मिला है, बिहार के सारे लोग सारे जनता बाबा से मिलने आए हैं। बाबा कितना प्यार जुटा रहे हैं, बाबा कल कथा में बोल रहे थे बिहार के लोग सब पगला गए। हाँ तो बाबा के लिए प्यार ही है, पागलपन है, अभी तो कुछ नहीं है बाबा, तो हम तो कहेंगे बाबा एक महीना यहाँ रह के देखे, यहाँ से बाबा को जाने का मन नहीं करेगा, बाबा का यहाँ घर बनवा के हम लोग दे देंगे लोग, बाबा यहाँ रहेंगे। सुन रहे हैं ना, देख रहे हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे बाबा के लिए घर बनवा देंगे और उनको यहीं पे रखेंगे, इतना बाबा से इन लोग प्यार कर रहे हैं। क्या बहुत ज्यादा प्यार है, क्या साधु जी सीताराम, मैं बाबा पहली बार आए हैं, उनको देखने के लिए पूरा बिहार उमड़ा हुआ है, पीछे देखने के लिए आज लगता है कि आज से 10 लाख लोग होंगे और कल कथा प्रारंभ हुई है। आज की भीड़ का क्या अनुमान लगा रहे हैं? आज भी 8 से 10 लाख लोग रहे होंगे एकदम निश्चित, आप जहाँ नजर डालेंगे। सुरक्षा का यहाँ पर क्या इंतजाम देखा जा रहा है? सुरक्षा मिला जुला के कुछ ठीक है, ज्यादा बेहतर नहीं कर सकते लेकिन मिला जुला के ठीक है। भीड़ ही कुछ ज्यादा है, बाबा के लिए दीवानगी है इसीलिए थोड़ा भीड़ ज्यादा है। बाबा मैं और भी बाबा के कई कार्यक्रमों में गया हूँ लेकिन इतनी भीड़ नहीं है जितनी बिहार में पागलपन है। मैं 2 बार मध्य प्रदेश भी जाके इनके छतरपुर से आया हुआ हूँ, वहाँ भी इतनी भीड़ नहीं हुई है जितना भीड़ यहाँ पे। छतरपुर आप गए हैं? हाँ, मैं 2 बार वहाँ से होके आया। इस तरह से भीड़ देखने को मिला था?
इतनी भीड़ वहाँ नहीं है। धाम पर मैं दो बार पेशी कर चुका हूँ, वहाँ इतनी भीड़ नहीं है। आप देख सकते हैं कि बिहार के लोग में इतनी पागलपन आ गई है कि बाबा को देखने के लिए वो पूरी तरह से पागल हो गए हैं और बाबा को देखने के लिए यहाँ पे भीड़ लगाए हुए हैं। और ये बाबा के प्यार देखा सभी दर्शक जो है बहुत खुश है और खुशी के लिए बहुत खुश है। बाबा का दरबार लगाया गया है और इस दरबार से सारे भक्त सारे लोग यहाँ से जाने के लिए अपने मन का इंतजार कर रहे हैं और लोग यहाँ पे देख सकते हैं काफी भीड़ है। अंदर जाने नहीं मिल रहा। क्या आपको मौका मिलेगा तो अंदर जा पाइएगा? जी हम तो बागेश्वर धाम से ही हैं और बहुत कुछ मैं बागेश्वर धाम के बारे में बताना चाहती हूँ क्योंकि जनवरी में और महाराज जी के साथ साथ ही आए। आप उनके साथ आए? हाँ, वो मतलब चंडीगढ़ से आए और हम आए हैं गढ़ से, बात नहीं है, लेकिन उससे मेरा बहुत लगाव है। पूर्व जन्म का हमारा लगाव इतना कि वहाँ से खींचे यहाँ चले आए। हाँ, लगाव ही है, श्रद्धा ही है, वहाँ से यहाँ खींचे चले आए। अब मुझे उनको आदत से पड़ गई है। मैं चली जाती हूँ अगर अपने गाँव, मैं मध्य प्रदेश रीवा जिले से हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। मैं भक्ति संगीत गाती हूँ और जैसे कि सब बोलते हैं मैं तो बहुत अच्छा गाती हूँ। मेरा भजन में संगीत गाना बहुत है, मतलब मेरा हाँ मैं भक्ति गीत गाती हूँ, सब भगवान के मैं भक्ति गीत गाती हूँ और बागेश्वर धाम की सरकार की महिमा है, मैं वहीं पर रहती हूँ और इनकी माता जी सिद्धि माता है, खूब आशीर्वाद देती है, मिलती है तो उससे मैं जैसे एक बेटी माँ से मिलती फूट फूट के रो लेती हूँ और उसमें उनसे रो भी लगा करती हूँ। लेकिन हमारा सौभाग्य है क्योंकि सोरोस है, हमें इतना लगाव हो गया, भगवान के प्रति प्रेम हो गया। मैं जब अपने गाँव चले जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं पूरा दुनिया पूरा संसार पूरा जिंदगी का प्रोफाइल भी छोड़ के चली आई हूँ, इतना ज़्यादा मेरा श्रद्धा बढ़ती है। ऐसा मौका मिला कि बाबा के पास आप गए हो उनसे मिले? मेरा और उनका मिलना क्या, मैं यहाँ पे खड़ी हो गई तभी बाबा को मालूम हो गया है कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। मैं बात कर रही हूँ एक एक पल का बाबा को मालूम होने के बाद से भी, मैं उनसे क्या बताऊँ, उनसे मेरा कुछ भी छुपा नहीं रहा और उनसे मेरा बात भी जब मेरा अंदर तड़प हो जाता मैं बाबा से स्पष्ट बात कर लेती हूँ, मिल लेती हूँ। अंदर जा पा रहे हैं अभी? ये अंदर जाऊं ये ना जाऊं मेरा श्रद्धा है, मैं उनका बाहर खड़े होकर भी श्रद्धा पूर्वक अगर आवाज सुनूंगी कथा सुनूंगी तो भी मुझे फल है अरे उनसे मिलने का। तो मैं यहाँ भी खड़ी हूँ तो भी वो देख रहे हैं। परमात्मा कहाँ नहीं है, सर्व बात की है, वो तो सब जगह है, बस मन की आत्मा को जगा के देखो। इतने भीड़ में क्या जरूरी है कि तुम धक्का खाओ, अंदर घुसो, अपना प्राण गवाओ, यहीं पर जाकर जयकारा लगाओ, सुमिरो बजरंग बली को सुमिरो, गुरु जी को सुमिरो, उनका कृपा यहीं से प्राप्त हो जाता है। इतना भज कर कर दिया ना एकदम गिर गया, विद्युत के साथ हम लोग बच गए, भीड़ काफी ज्यादा है किसी कारण ना चट गए ना, अभी बहुत ठाक से बचे, अभी तो लग रहा था कुछ तो नहीं चल रहा है, इतना सारा आदमी में चल रहा लग रहा था तब तक बच में नहीं था, लेकिन आश्रय लगा के आए हैं। इतना टीवी में हम लोग भी देखते थे पूरा आश्रय है, टीवी में देखते हैं बाबा का प्रोग्राम, देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे भक्त हैं बाबा के जो कि इंतजार कर रहे हैं, अंदर जाने का मौका नहीं मिला लेकिन फिर भी आस्था उन पे बनाए हुए हैं और उनके इंतजार में कि बाबा बाहर आएंगे और उनसे मिलेंगे, उनसे दर्शन उनका पाएंगे, उसी उम्मीद में यहाँ पे लोग खड़े हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, हम भी सीतामढ़ी से आए हुए हैं बाबा का लेकर दर्शन करने के लिए, बाबा से दर्शन करेंगे और हो पाएगा यहाँ से सुनेंगे देखेंगे बाबा के 3 महीना से और जब बाबा आ रहा है यूट्यूब से पूरा बाबा का पूरा प्रोग्राम है देखते हैं। हाँ, पूरा प्रोग्राम देखते हैं यूट्यूब पर, बाबा के किसी चलते पटना में आया है। कौन कौन आए आप? हम लोग आए 6-7 आदमी आए, 4 लेडीज हैं और 2 जेंट्स, 1 बच्चे हैं।